Hello lab wale turtle log, welcome to the next video of the series Basics of Chemistry, and this is part 9. इस वीडियो में हम जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे ना कि एलिमेंट्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, ग्रुप वन वाले नोबल गैस जैसे बन रहे हैं और फिर उन पर कुछ चार्ज आ रहा है. तो हम इस कॉन्सेप्ट पे और एग्जांपल्स देखते हैं. We have already seen that जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. ओके तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम. या ग्रुप टू के सारे एलिमेंट्स ही ले लें, सारे ले लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. हमारे काम के ये तीन एलिमेंट्स जो हमें याद करने थे, रिमेम्बर. साथ में नोबल गैसेस का भी लिख लेते हैं. सो हीलियम 2, नियॉन 2.8, आर्गन 2.8.8, राइट. सो ओह लेट्स राइट क्रिप्टन एज वेल, 2.8.18.8. कितने खुश हैं ये सारे, आउटर मोशेल कंप्लीट कर लिए हैं. ये बेचारे इतने दुखी, इनके आउटर मोशेल का क्या हाल है देखते हैं. सो बेरिलियम इज 2.2, मैग्नीशियम इज 2.8.2, एंड कैल्शियम इज 2.8.8.2. ये सारे किसके हैं, ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं. तो ऑब्वियसली ये ग्रुप टू के हैं तो इनके आउटर मोशेल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दिख भी रहे हैं, राइट. तो बेरिलियम को स्टेबल होना है. बेरिलियम क्या करेगा, दो ऑप्शंस हैं इसके पास, या तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा, क्या करना होगा इसे, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर क्या कर सकता है, ये नियॉन जैसा बन सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके. क्या ईजी है, ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ईजी है, राइट. तो बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसलिए प्लस. एक्सक्यूज मी. और यार ये जब भी खांसी आती है कोरोना वाला डर फिर से बैठ जाता है. ओके लेट्स कंटिन्यू. सो बेरिलियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए प्लस 2 का चार्ज है. मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा प्लस 2. कैल्शियम भी प्लस 2, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बन जाएगा आर्गन जैसा, बिल्कुल खुश, स्टेबल, नोबल बन गया, है ना. तो इन सभी की वैलेंसी क्या हो गई, प्लस 2. ये जो चार्ज आता है ना किसी भी एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन्स लूज करके या गेन करके, इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी. तो ग्रुप टू एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या हो गई, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. उसी तरह ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की वैलेंसी, ओ ग्रुप 3 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है ना. आई सेड कि ग्रुप 3 से 12 हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो. हमने ग्रुप 13 पढ़ा है. तो उसका एक एग्जाम्पल लें, एल्यूमिनियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज 13, तो कॉन्फिगरेशन इज 283. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे भाई स्टेबल होने के लिए, ये तो यही चाहेगा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ. तो इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस 3. तो ग्रुप 3 ग्रुप 13 एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या हो गई, प्लस 3. ग्रुप 14 बड़ा इंटरेस्टिंग है. ग्रुप 14 में ना, अब एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फिगरेशन इज 2.4. देखो इसके पास अब दो बराबर इक्वली अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. एक काम ये कर सकता है कि ये जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें डोनेट कर दे. तो इस केस में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगी. जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर प्लस 4 चार्ज आ जाएगा. इसके पास एक और ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. गेन कर लेगा तो किसकी तरह बन जाएगा, 2.8 हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक नियॉन. तो इसके पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो ये 4 गेन कर ले या तो ये 4 लूज कर दे,
है ना, ये जो कार्बन है ना, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये चीज वहां फिर से आएगी. सो कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, इसकी वैलेंसी फोर होती है. टेट्रा मीन्स फोर, तो प्लस फोर भी हो सकती है एंड इट कैन ऑल्सो बी -4. ओके, सो एल्यूमिनियम के पास क्या ऑप्शंस थे? या तो ये तीन लूज करे, या तो ये पांच इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो इसके पास -5 वैलेंसी का भी ऑप्शन था. बट ये बड़ा टफ था, ये ऐसा क्यों करना चाहेगा, ये बस तीन लूज कर देगा, वो ज्यादा आसान था इसके लिए. कार्बन क्या है, कार्बन चार ले ले, चार दे ले कार्बन के, तो सही है भाई. बट हम बाद में देखेंगे एक्चुअली कार्बन के लिए ये दोनों ही करना बहुत मुश्किल है. सो फॉर दैट रीजन कार्बन हैज वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज. ओके वील सी, आई डोंट वॉन्ट टू रिलीज ऑल द मिस्ट्री एंड सस्पेंस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी एन एग्जाम्पल फ्रॉम ग्रुप 15. ओके, सो ग्रुप 15, ग्रुप 15 लेट्स से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो द कॉन्फिगरेशन इज 2,5. सो व्हाट कैन इट डू? इट कैन आइदर गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल, और इट कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल. सो हैज टू ऑप्शंस, इट कैन आइदर गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इजियर? दिस इज नॉट इजी. गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इज इजियर. सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? इट इज -3. फाइन, सो ग्रुप 16, ग्रुप 16 से ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, सो इट्स 2,6. दिस ऑल्सो हैज टू ऑप्शन, इट कैन आइदर गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम लाइक अ नोबल गैस, और इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो भाई बहुत मुश्किल है, मैं इतना काम नहीं करूँगा, मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करूँगा और मैं खुश रहूँगा. ओके, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैलेंसी विल, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैलेंसी विल बी -2. ओके, नाउ ग्रुप 17 example is fluorine, chlorine, bromine, iodine, all the halogens. So fluorine is atomic number 9, configuration is 2,7. What are the options? It can gain 1 electron, valency will be -1, or it can lose 7 electrons, valency will be +7. भाई अब बता दो क्या easy है, या अब भी मैं ही बताऊँ? ये तो बड़ा मुश्किल है. वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. ओके, उसकी वैलेंसी क्या हो गई? -1. और अब हम बात करते हैं भाई नोबल गैसेस की या ग्रुप 18 की. एग्जाम्पल क्या ले? नियॉन ले, नियॉन इज 10 एटॉमिक नंबर, सो 2,8. ये तो इतना स्टेबल है, और स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? ये बहुत स्टेबल है, ये ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी जो वैलेंसी वो है वो हो गई 0. इसे कुछ करना ही नहीं है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम लोग अपनी देखो. तो जो नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी क्या होगी? 0. तो वैलेंसी निकालना आ गया सबको. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है. हम ये जानना चाहते हैं कि आयन क्या होता है. तो तुम लोग थक तो नहीं गए हो? नेक्स्ट वीडियो में बात करें क्या? अभी थोड़ा बता देती हूँ, चलो इंट्रो दे देती हूँ. सो एटम से अब हम मूव कर रहे हैं आयन की तरफ. आयन क्या है? आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल. कैसे बना ये हमने अभी देखा ना, अभी बताती हूँ. देखो, वी सॉ जैसे ये जो फ्लोरीन एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा -1, तो ये क्या बना लेगा? एटम से आयन बना लेगा. ओके,
जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सल्फर एटम का. सल्फर एटम का एटॉमिक नंबर है 16. सो दिस इज 286. भाई अब तो बता दो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा. अगर इसे स्टेबल होना है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट. तो सल्फर अब क्या करेगा, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले इसमें 16 थे बट अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए. अब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अब इसके पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स. ये आर्गन जैसा स्टेबल हो गया है ना, तो अब इसके पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो सल्फर पे अब चार्ज क्या आ गया है, चार्ज आ गया है -2, या इसको लिखते हैं वैसे 2- सल्फर एटम. एटॉमिक नंबर इसका वही है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब 16 नहीं है, 16 की जगह 18 हो गए हैं. तो इसने क्या बना दिया, एक चार्ज्ड पार्टिकल बना दिया, एक आयन बना दिया. सोडियम का एग्जाम्पल देखो, सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, तो 281. इसे अगर स्टेबल होना है तो उसके लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा. तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है बट अब इसने एक, ओह एस लिख दिया क्या मैंने, वेट अ सेकेंड, ई या उप्स एक्सक्यूज मी या. तो अब जो सोडियम एटम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो अगर इसने अब लूज कर दिया तो अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे, 11 नहीं बचे. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया, 2.8, एंड इट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. सो द चार्ज ऑन इट विल बी 1+ बिकॉज इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एन आयन. चार्ज्ड पार्टिकल फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर कोई आयन निगेटिवली चार्ज्ड है तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर कॉल्ड एनायन्स. एनायन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स. एंड जितने भी आयन्स पॉजिटिव हैं, जैसे यहाँ सोडियम आयन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आयन्स आर कॉल्ड कैट आयन्स. ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. सो ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिव आयन्स आर कॉल्ड एनायन्स, पॉजिटिव आयन्स आर कॉल्ड कैटायन्स. आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, ओवरडोज हो गया, राइट, ओडी हो गया. तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, वी लर्न मोर अबाउट कैटायन्स एंड एनायन्स एंड ऑल्सो मूव ऑन अ बिट फर्दर इन टू द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. अंटिल देन सी यू गाइज, बाय.